करनाल में एक पोल्ट्री फार्म किसान द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उनका हालचाल जानने के लिए लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह अस्पताल में पहुंचे। यहां पर उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि ज्यादातर एनपीए डिफॉल्टर पूंजीपति लोग होते हैं, जो इतना कर्जा लेने के बाद भी आत्महत्या नहीं करते, परंतु किसान को बैंक के अधिकारी भी ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, जिससे तंग आकर ज्यादातर किसान ही आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है और वह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को रावण की संज्ञा देते हुए कहा कि आगामी कार्यक्रमों में पुतले जलाए जाएंगे और विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनमें किसान मसीहा देवी लाल का एक भी कतरा विरासत के रूप में है, तो उनको किसानों के हकों के साथ खड़ा होना चाहिए। इस अध्यादेश को वापस करने में किसानों की सहायता करनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का असर बड़ौदा उपचुनाव पर पड़ेगा और वहां से बीजेपी की हार होगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी काले कानून लाकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है, परंतु कांग्रेस ने भी एमएसपी लागू करने की कोई बात नहीं कही, ना ही उनके नेताओं का कोई बयान आया है। इस मौके पर उन्होंने पोल्ट्री फार्म किसान संदीप को बैंक कर्मियों द्वारा प्रताड़ित करने की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि अगर किसान को न्याय नहीं मिलता है तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो बैंक के अधिकारी शामिल हैं। जब नीलामी की गई 300 रुपए 250 रुपए वाली मुर्गी 51 रुपए में, 51 रुपए में तो दाल भी नहीं आती। अब 51 रुपए में कितना बड़ा घोटाला आप समझ सकते हो, जो पहले से टोटे में चला गया, अब उसका माल बेचना है, कम से कम उसका माल तो सही रेट पे बेच लो, इतना तो कसाई था मत खोलो उस पर। दूसरी ये मरने के लिए मजबूर किया गया। तीसरा जो बैंक का इनका उच्च अधिकारी है चंडीगढ़ में, उसकी मिली भगत से सब होता है। वो कुर्की के लिए बंदे भेजता है और अपने जो उसने एक तरह से गुंडे पाले हुए हैं वो भेजता है, उनसे मिली भगत होती है। आधे पैसे बीच में वो कहते हैं माल लिया, 300 रुपये का माल उन्होंने 50 रुपये में लिया, तो उसको आपस में फिर वो बांट ले। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम चाहेंगे कि इन पर मुकदमा दर्ज हो, हत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो, सभी के जो बैंक का अधिकारी है उसके ऊपर भी और जो साथ में आए हैं उनके ऊपर। नहीं होती कार्रवाई तो? नहीं होती। अब दशहरे तक का इनको चेतावनी देके जा रहे हैं, या तो ये दशहरे तक कार्रवाई कर दें और वरना उसके बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे अगर वो कार्रवाई नहीं करते। दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कहना चाहूंगा कि देश की बदकिस्मती है कि आज देवीलाल का खून, आज सर छोटू राम का खून, वो भी आज किसानों के विरुद्ध खड़े हैं। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उसमें कहीं देवीलाल के खून का एक कतरा भी बाकी है तो उसको सरकार से रिजाइन करके किसानों के तो बीच में चुनाव में जाएंगे स्टार प्रचारक के तौर पर वोट मांगने? देखिए वो जाएंगे, अब ये हम लानत उनको दे सकते हैं और या ये कह सकते हैं कि किसानों की इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि जिस पे किसानों ने भरोसा किया उसी ने किसानों को बेच दिया। तो बड़ौदा चुनाव में लगता है कि किसान अध्यादेश मामला कोई असर डालेगा? देखिए असर तो डालेगा, बीजेपी जीत तो नहीं पाएगी वहाँ, असर तो ये डालेगा। और लेकिन सवाल इस चीज़ का है, हम उस पर कई बार गंभीरता से सोचते हैं कि चलो बीजेपी हार जाएगी कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि अगर हमारा राज आया तो हम एमएसपी के गारंटी का कानून बनाएंगे। कम से कम कांग्रेस को तो ये गारंटी देनी चाहिए कि अगर हमारा राज आया तो हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, हम टोटल किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे। तो ये दो चीज़ कांग्रेस को बोलनी चाहिए। अब कांग्रेस उन पे अभी तक नहीं बोल पाई है और हमारी कांग्रेस से मांग है कि बीजेपी ने तो हम मार ही दिए, कम से कम कांग्रेस से तो हम उम्मीद रखे हैं, वो तो ये बोले। एक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने रावण की संज्ञा दी थी, रावण कहा था, कहा था। दर्ज हुए और दोबारा से आप वो चीज कह रहे हैं तो मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, ये भारत का रावण है जो किसानों को मार रहा है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, क्या इससे दुखदाई घटना कोई हो सकती है? क्या इससे बड़ा कोई देश के अंदर अव्यवस्था हो सकती है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? मौके की सरकार ही तो कंट्रोल करेगी। पर्चे दर्ज हुए आपके? जी पर्चे दर्ज हुए, खूब हुए, कर रहे हैं। तो आप 10 तारीख को 307 के पर्चे, इरादा कत्ल के, किसका कत्ल करने जा रहे हैं? हम रैली करने जा रहे हैं, हम अपनी बात कहने के जा रहे हैं तो हम कातिल हो गए? हम उनका विरोध करने के लिए, काले कानून का विरोध करने के लिए जा रहे हैं, हम कातिल हो गए? हार्ट अटैक से आदमी मरता है, 302 के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करा दिए जाते हैं। ये देश है, ये व्यवस्था है।
हम किसी आदमी को कुछ बोलते हैं उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है, ये सोचती है कि मुकदमे दर्ज करने से ये आंदोलन करने बंद कर देंगे, ये नहीं होगा। वो जो चाहे वो करें, लेकिन आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हम आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी किसी तरह इंजिश है। हम केवल आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसान मर रहा है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी दुश्मनी के तहत नहीं कि हमारी कांग्रेस मित्र है, बीजेपी दुश्मन है, इसलिए आंदोलन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम केवल किसान को बचाने की बात कर रहे हैं। किसान ने जिसने आत्महत्या का प्रयास किया था उससे मिलने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की बदकिस्मती है कि सारी मार किसान पे ही पड़ती है, और जो बाकी वर्ग हैं, अगर हम देखें पूंजीपतियों का, अगर हम आंकड़ा देखें तो पूंजीपतियों के कर्जे के में ऐसा नहीं होता। आपका उदाहरण मैं देता हूँ आपको, आपके करनाल का ही MP है जो 35,000 करोड़ का जिसने वो ले कर और फुर हो गया है, और उसने तो आत्महत्या नहीं की, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 15 लाख करोड़ का आज डिफॉल्टर है, जो डिफॉल्टिंग अमाउंट में नहीं कह सकते उसको, NPA जो हो गया, जो वसूला ही नहीं जा सकता, देश के कुल कर्जे से 2 गुना उनका क्या कर लिया? हमारे देश का कानून, अगर एक आदमी की 10 फैक्ट्री हैं, 1 फैक्ट्री घाटे में गई, 9 फैक्ट्री मुनाफे में है, जो घाटे में गई उसकी सरकार मालिक है, जो मुनाफे में गई उसके मालिक खुद मालिक है, वो 9 बेच के उसके पैसे कभी वसूले गए क्या? तो किसान से मिले आप, क्या बताया उन्होंने? देखिए, किसान से तो मिलके कोई बात हो ही नहीं पाई, वो तो बोलने की स्थिति में नहीं है, ICU में है, केवल देख ही पाए हैं उनको और बोलने की हाल। परिवार से बात हुई होगी? जी, परिवार से बात हुई। हाँ, परिवार से बात हुई, और परिवार ने जो बताया है, ये एक बड़ा घोटाला, इसके पीछे बड़ा घोटाला, किसानों को मरने के लिए मजबूर करने का एक षड्यंत्र। पहली बात, जब लोन दिया गया तब 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई, ये जो परिवार वाले हैं उसका नाम बता रहे हैं, वीडियो में उसका नाम ले रहे हैं, उस पर अब तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.